दोस्तों, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि ये जो है ना, ये वाटर रिजर्वर है, तो आप देख सकते काफी पुराना है और इसके अंदर सारा पानी इकट्ठा होता है बारिश का। तो आप देख सकते इस टाइप से ढलान है और यहाँ पे छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये वाले, और इसमें पानी जाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कुआं बन जाता है एक तरीके का। तो यहाँ से जो भी पानी होता है वो इसके अंदर चला जाता है और पानी इसमें रिजर्व हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी है और देखते हैं कितना पानी है। तो आपने देखा गाइस, तो दोस्तों ये है राजस्थान, आप देख सकते हैं पूरा सूखा पड़ा हुआ है और पेड़ों के पत्ते तक नहीं है, और इन चीज़ में यही काम आता है। तो आप दूर दूर तक देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल खाली है यहाँ पे। और अभी खेत जोतने का टाइम हो चुका है या नहीं हो चुका ये तो पता नहीं, बट इन्होंने ट्रैक्टर जरूर कर दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इतना तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है। और सामने अपनी बाइक खड़ी हुई हमारी बिल्लो रानी, और सूर्य देवता जी अभी अभी सनसेट होगा, तो काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पे। और अकेला हूँ मैं, देख लो पूरी रोड तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये हमारी बिल्लो रानी। गाइस आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है वो टैंक रिजर्वर जिसमें यहाँ के गांव के लोग पानी भर के रखते हैं, और इसी कोई मतलब जब गर्मी आ जाती है, अभी जैसे जून जुलाई आने वाली है, तो यहाँ पे बारिश मतलब बहुत कम होती है राजस्थान में, आप सूखा तो आपको पता ही कैसे पड़ता है, तो उस वजह से यहाँ पे रिजर्वर बना के रखते हैं ताकि पानी की कोई दिक्कत ना आए या किल्लत ना आए। तो अभी मैंने आपको सारा दिखाया कि कैसा बना हुआ है, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ पहले पता थी या नहीं पता थी। तो गाइस मुझे इस गांव में काफी मोर दिखे, मतलब हर घर के ऊपर एक ना एक मोर बैठा ही रहता था, और अभी मैंने पीछे देखा 3-4 मोर इकट्ठे, मजे भाई इनके। और यू नो का ऐसी जगह पे गाइस घूमने का ना मजा ही अलग है, यू नो बिल्कुल रिलैक्स हो रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पहुंचने का है, कोई टेंशन नहीं है, पता ही है घर पे जाना है, तो यू नो फ्रेश लगता है ऐसे माहौल, एक अपनी मिट्टी से जुड़ के फ्रेश लगता है बिल्कुल। और आप देखिए मतलब कितना प्यारा है, और ये कितना प्यारा माहौल है यार गाइस यहाँ पे। हाँ आई नो यहाँ पे अपन जैसे लोग ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, ये तो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है। और देखिए गाइस जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पे भी वैसी बावड़ी बनी हुई है जहाँ पे वाटर रिजर्व होता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाले जो माहौल है ना, इस माहौल में जो लोग पहले रहते थे ना वही रह सकते हैं, अपन जैसे लोग नहीं रह सकते, बिकॉज अब आदतें ऐसी पड़ चुकी है शहर में रहने की। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि अपन लोग सरवाइव कर पाएंगे गांव में, बट गांव वाले लोगों का यू नो बहुत अच्छा भी है, मेहनती होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती। अपने शहर वालों को देख लो, बीमारियों का घर, और यहाँ पे भी बावड़ी है, और इधर भी आप देख सकते हैं ये एक गांव है, तो गांव के अंदर से ही मैं जा रहा हूँ। तो अब अजमेर का यहाँ पे 116 किलोमीटर है, तो लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे मुझे, यहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं पूरे 8 बजे घर पे, और फिर निकल पड़ेंगे अपनी एक और नई मंजिल की ओर अगले संडे, नहीं नो 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 सॉरी अगले सैटरडे। तो अगले सैटरडे निकलेंगे गाइस अपन एक और नई मंजिल की तरफ, तो वो तो प्लानिंग कर लेंगे अपन कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो गाइस होप आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, वो देखिए ये हिरन है दोनों, और आप देख सकते हैं मेरे को थोड़ा सा डर के पीछे छुप गया, और हिरन ये वो पीछे वाला हिरन है, ये कोई कुछ और लग रहा है मुझे, और काफी बढ़िया दिख रहे हैं दोनों।
अगर सामने आ जाए ना, बढ़िया नज़ारा आ जाए इनको देखने का। चलो थोड़ा सा आगे चल के देखता हूँ। यहाँ से देखते गाइस, तो यहाँ से, हाँ यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो ये नील गाय है या मुझे तो हिरन लग रही है, क्योंकि नील गाय तो आपको मैंने पहले दिखा रही थी, वो कुछ ब्लैक कलर की होती है, और ये हिरन है दोनों। तो चलिए बाय बाय टाटा सी यू। ये एक टक मुझे देखे जा रहे हैं, एक्चुअली घबरा गए हैं, डर गए हैं, तो अभी इनको यहीं पर आराम से छोड़ते हैं और अपन यहाँ से निकलते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं अजमेर, और ये पुष्कर घाटी है। बस पुष्कर से नीचे उतर रहा हूँ और बस 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। और अब रात का व्यू देखिए घाटी का, कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। तो अभी टाइम हो चुका है 7:20 मीन 7:20, और हालत हुई पड़ी है पूरी टाइट, और गाइस भूख तो दबा के लगी हुई है। बस जाते ही रोटियां बांट दी मैंने, बहुत भूख लगी हुई है। तो गाइस देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई है, और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है हमारा आना सागर लेक। और यू नो रात को तो बहुत खूबसूरत लगता है। किसी दिन इसकी भी वीडियो बनाएंगे गाइस, आपको दिखाऊंगा सारा आना सागर लेक जो भी है हमारे यहाँ पे, वो टोटली आपको इसका भी मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा, ताकि आप इसको भी एंजॉय कर सके, आना सागर लेक को भी जो यहाँ की है बहुत ही ब्यूटीफुल है। रात को स्पेशली इतनी लाइटिंग अच्छी हो जाती है ना, तो उससे और भी बढ़िया लगती है।